विदेश दौरे पर भी वीवीआईपी के साथ रहेंगे एसपीजी के जवान। आइए बात करते हैं विदेश यात्रा की। जहां विदेश यात्रा की बात आती है तो सामने आता है कई बड़े बड़े और बहुत ही दिग्गज लोग इसमें जाते हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन इस साल मोदी सरकार द्वारा नियोजित किया गया एक नया नियम, क्या ये नियम है या फिर एक राजनीतिक पड़ाव जिसके तहत बीजेपी अपना सिक्का जमाती नजर आएगी? बीजेपी की सरकार ने केंद्र सरकार से स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप सुरक्षा पाने वाले दिग्गज कंपनियों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। मोदी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब विदेश यात्रा के दौरान भी वीवीआईपी लोगों के साथ एसपीजी सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो एसपीजी सुरक्षा पाने वाले वीवीआईपी को सरकारी दिशा निर्देश हर हाल में पालन करना पड़ेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी विदेश यात्रा रद्द कर दी जाएगी। जवानों के साथ लेकर ना जाने पर ऐसा भी हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के गोलबिया यात्रा की खबर आई है। ऐसे में उक्त आदेश बेहतर अहम हो जाता है। इससे मोदी सरकार क्या बताना चाहती है? क्या मोदी सरकार ये बताना चाहती है कि सिर्फ वीवीआईपी लोग ही महत्वपूर्ण हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी पीढ़ी युवा है वो नहीं है? जो पैसा आईपीजी के जवानों को हायर करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है उससे हमारे देश की कई समस्याएं भी हल हो सकती थी, लेकिन इसका विचार शायद मोदी सरकार के जहन में नहीं आया होगा, इसीलिए वो पैसा वीआईपीओ के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।